अच्छा अपना नाम बताइए। पुष्पा। ओके, तो शी इज पुष्पा। बताइए आपको क्या तकलीफ हो गई थी? हमारे पेट में दर्द हो रहा था बहुत। अच्छा, और बुखार भी था? हाँ बुखार भी था। थोड़ा था, ज़्यादा था? नहीं ज़्यादा था, 102 डिग्री था। कम कभी भी लग रही थी? हाँ ठंडी भी लग रही थी। अच्छा, कितना दर्द हुआ था आपको? बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिससे लगता था जान निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो आपको हाँ, क्या पता चला? अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला पथरी है। और गुर्दा फूला हुआ है? हाँ गुर्दा फूला हुआ है, पथरी है, बुखार है बहुत ज़्यादा, कम कभी लग रही है। हाँ। और आपके खून के टेस्ट से क्या पता चला? खून के टेस्ट से इन्फेक्शन है। हाँ, इन्फेक्शन थी बहुत ज़्यादा, TLC बहुत हाई था। हाँ। तो फिर आपका रंगीन एक्सरे हुआ। हाँ, उसमें पता चला कि मैं आज गुर्दे से। हाँ, गुर्दे में पस है और गुर्दा काम नहीं कर रहा। हाँ। तो पस से गुर्दे में प्रेशर था, इससे हाँ। दर्द थी, पथरी से रुका हुआ था वो। हाँ। तो इस तरह फिर आपको यहाँ पे अस्पताल में दाखिल हुए आप। हाँ। हाँ, तो फिर आपको जो हमने दूरबीन से नलकी डाल के पस निकाली, हाँ। तो उससे कुछ लाभ हुआ? हाँ बहुत लाभ हुआ, उससे आपका दर्द और बुखार ठीक हो गया। हाँ दर्द भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक। पहले नलकी में क्या आया? नलकी में पहले तो पस आई, उसके बाद खून आया थोड़ा, फिर पेशाब आई। हाँ, फिर पेशाब कितना आने लगा? पेशाब 400-500 किसी दिन आता था। हाँ, 12 घंटे में 500-600 भी आता था, है ना? हाँ। यानी कि आपका गुर्दा जो पस से भर गया था सूज के, हाँ। वो फिर से दोबारा काम करने लगा। हाँ। है ना, फिर से दोबारा काम करने लगा। तो उसके फिर कितने दिन के बाद आपको दोबारा ऑपरेशन करके पथरी निकाली गई? 16-17 दिन बाद पथरी का ऑपरेशन। तो दोबारा आप दीवान अस्पताल में भर्ती हुए? हाँ। अच्छा, फिर पथरी निकलने के बाद आपका वो नलकी निकल गई है, अब तो नीचे से पेशाब आ रहा है ठीक है आपको? हाँ। अच्छा, आपको कैसा लगा ये सारा कुछ करवा के? अच्छा लगा, डर तो ठीक हो गई। अच्छा ठीक हो गए हो, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? आपका देखो गुर्दा खराब होने के पास था, पस पड़ गई थी, उसमें दर्द हो रहा था, बुखार था, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग को जो कोई परेशानी हो, आप लोग दीवाना अस्पताल आए, अपना जांच करवाएं। नहीं चलो, कहीं भी अस्पताल में जाएं, अपना यानी कि डिले ना करें, देरी मत करें, और अपना टाइम पे इलाज कर लें। हाँ टाइम पे, जैसे आपने भी जल्दी करवा लिया और हिम्मत करी, ठीक है ना? इसमें एक फैसला लेना होता है और कुछ खर्चा भी होता है और काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हिम्मत और फैसला लेना। वो आप लोगों को फैसला लेने की शक्ति वगैरह कैसे आई कि आपने सारा कुछ करवा लिया, ये बताइए। बहुत ज़्यादा दर्द और अच्छा, मतलब दर्द के कारण आपने ये सारा छेती कराया। हाँ। और ये भी कि आपने अपनी वाइफ को प्यार करते हो और उसका ख्याल करते हो, ये बात नहीं है? उसके लिए आपने अपना काम काज छोड़ के और पैसा भी खर्चा, टाइम भी लगाया, फटाफट इलाज करा लिया, ये बात नहीं है? तो ये भी तो मेन बात है, अभी एक दूसरे का ख्याल करने से मिलजुल के टीम वर्क जो आपने किया हस्बैंड वाइफ ने, और विश्वास किया दीवान अस्पताल पे, डॉक्टर दीवान पे। हाँ, आपका जो यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं यूरोलॉजी के, वो तो पस की नलकी मैंने डाली थी, PCN जिसको बोलते हैं, और PCNL जो था वो हमारे यहाँ डॉक्टर PGI के आते हैं, जो PGI से ट्रेंड और हैं, डॉक्टर अतुल मित्तल, वो मतलब कि जलंधर, यहाँ अमृतसर सब जगह जाके ऑपरेशन करते हैं, तो हुशियारपुर, तो उन्होंने वो ऑपरेशन किया आपका। पहला ऑपरेशन मैंने किया, PCN बोलते हैं उसको, हाँ, वो नलकी डालने का, पस निकालने का, और PCNL उन्होंने किया, है ना? तो ये हमारा यहाँ भी टीम वर्क है, हमको पता है कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा दूसरे कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि हिम्मत करने से एक बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। अच्छा ये बताइए कि दीवान अस्पताल में स्टाफ, डॉक्टर दीवान, आपको सर्विसेज कैसी लगी? ऐसे कह रहे हो या दिल से कह रहे हो? नहीं, दिल से कह रहे। अच्छा, काम भी अच्छा है उनके? हाँ, प्यार से बोलते हैं फिर? अच्छा। नहीं, काम ही बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो इंटरव्यू और फोटो वगैरह है,
हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हम इसको नेट पे किसी भी मीडिया में किसी भी जगह दे सकें ताकि लोगों को ये पता चले कि पथरी से गुर्दे में पस पड़ सकती है, गुर्दा काम करना बंद कर सकता है और गुर्दे भगवान ने दो दिए हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर डायलिसिस या रिनल ट्रांसप्लांट होता है, तो आप लोग उसमें से बच गए, यानी कि टाइम पे इलाज कराने से फ़ायदा हो जाता है। तो आप हमें इजाज़त देते हैं कि आपकी ये फ़ोटो और इंटरव्यू हम किसी भी मीडिया, न्यूज़पेपर, चैनल, इंटरनेट, यूट्यूब पे डाल सकें? हाँ जी, हाँ डाल दें। हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद।